हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो अनबॉक्सिंग करूँगा वो है H&B कंपनी का आर्ट मटेरियल केस। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से 1300 रुपये में परचेस किया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो 1 महीने पहले की है। मैंने जब परचेस किया था तब मैंने करके रखा था और आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रिव्यू जो है वो यूज़ करके अच्छे से देना था। तो मैंने इससे पहले कभी ऐसा यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं 1 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। 1 महीने इसको यूज़ करके मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पर H&B कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। चलो इसके चारों तरफ आप देख लीजिए। तो अब मैं इसको खोलूंगा और देखते हैं अंदर क्या है। दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पर 12 ग्रेफाइट पेंसिल्स है डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। चलो आप अच्छे से देख लो। ये जो है ये एक इरेज़र है, इसको नीडेबल इरेज़र बोलते हैं। ये काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं इतना सा। मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेंसिल्स है, ग्रेफाइट पेंसिल्स। ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स का है। और ये है चारकोल पेंसिल, इसमें 3 चारकोल पेंसिल्स है, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम। मैं अपने स्केचेस में इनको यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने एक ही बार यूज़ किया है अपने स्केच में, वो सुशांत सर का जो स्केच था उनके हेयर में जो यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया था वहाँ पर, तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। और यहाँ है एक शार्पनर, इसमें 2 होल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर और एक शार्पनर है जो कि प्लास्टिक का है, ये अच्छा ही है। और यहाँ पर है एक कटर जो मुझे अच्छा नहीं लगा, बाज़ार में जो 10 रुपये 15 रुपये में जो मिलते हैं वो इससे अच्छा है। और ये है एक पेंसिल एक्सटेंडर, जब पेंसिल छोटा हो जाता है तब हम लोग फेंक देते हैं जो कि वेस्ट है, तो इसके मदद से आप वो छोटा पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक नॉर्मल इरेज़र, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन चलता है। ये है ग्रेफाइट स्टिक्स, इसमें भी 3 पार्ट्स है, मतलब एक सॉफ्ट, एक हार्ड और एक मीडियम है। आपने देखा मेरे हाथ में लग गया था ये। ये है एक नीडेबल इरेज़र, इसको आप जैसे चाहे फोल्ड कर सकते हैं। इसका यूज़ मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। ये है चारकोल स्टिक्स, इसमें भी सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये भी हार्ड है। और ये है ग्रेफाइट स्टिक्स, इसमें भी सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड है, ये थोड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा।
ये है सैंड पेपर, आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं इससे, और पेपर स्टम्प जो है ब्लेंडिंग स्टम्प उनको भी क्लीन कर सकते हैं इसके मदद से। इस पूरे केस में मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा नहीं लगा वो है चारकोल पेंसिल्स जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, और कटर। ये है नीडेबल इरेजर, उसको आप जैसे चाहे फोल्ड कर सकते हैं। चलिए अब शेड करके देखते हैं कितना अच्छा है और कितना डार्क होता है। मैंने लिया है 8B, 6B, 4B, 4H पेंसिल। अब एक एक करके देखेंगे। पहले मैंने लिया है 4H पेंसिल। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और ये मैंने लिया है 4B का पेंसिल। ये जो पेंसिल्स है सारे के सारे बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि स्मूथ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो ये केस जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल जो है उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। बिगिनर्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा है, उनके लिए उतना महंगा केस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब अब पहले पहले करते हैं तो उतना महंगा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है पहले, और अब भी मैं 6B का ही यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके, तो उतना डार्क नहीं है ये। और अब मैं 8B का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं उतना डार्क नहीं है जितना 6B का हुआ है। अब मैं थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके देखता हूँ क्या होता है। ये 6B और 8B का काफ़ी सेम है, कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। अब मैं 8B का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर लगा के, देखते हैं कितना डार्क आता है। ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, ये बहुत ही हार्ड है। अब मैं 4B का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा और प्रेशर लगा के, देखते हैं क्या होता है। ठीक ठाक है, पर उतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड है। ये है पेपर स्टंप, अब मैं आपको ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बड्स का भी यूज़ करते हैं और टिश्यू पेपर का भी यूज़ करते हैं। पेपर स्टंप तो अच्छा है, आप देख सकते हैं अच्छे से ही ब्लेंड हो रहा है। तो ये पूरा केस बिगिनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल जो है आर्टिस्ट उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वो इसको परचेस ना करें। अब मैं आपको इस इरेजर से इरेज करके दिखाता हूँ। मैं इस इरेज़र को हाइलाइट्स के लिए भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए ये परचेस करते हो तो अच्छा है।
मैंने इसको परचेस किया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। क्योंकि मैं उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बिगिनर्स जो है वो इसके मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना महंगा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।